हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं CBSE, RPSE, UP, MP बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रश्नावली 1.4 क्लास 10। ठीक है, इसमें कहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये चीज अपने को देखनी, भाग अपने को बिल्कुल नहीं करना, बिना भाग दिए ही हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, है ना। हम सवाल पे बाद में आएंगे, पहले हम कर लेते हैं कि नियम क्या है, कौन से गुणन इसके दशमलव प्रसार करेंगे। अगर हम हर का जिसे मैं एक सवाल लिख देता हूं आपका, ये 13/3125। अब इसके हर का गुणनखंड करते हैं तो कौन कौन से नियम से को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक एंड शेयर कमेंट्स भी कीजिए। अब हम चलते देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या, ये परिमेय संख्या के रूप में है, जो भी सवाल आपने क्या है परिमेय संख्या के रूप में आया। यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, अंश कह देते हैं और इसको हर कहते हैं। ठीक है ना, अब अपने पास जो हर के गुणनखंड करने होते हैं, भाग नहीं करना और मालूम करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसके लिए हमें हर के गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब गुणनखंड करेंगे तो कौन से नियम अपने को ध्यान में होना चाहिए, हमें पहला जो चीज होगा मालूम होनी चाहिए वो ये है कि आपका गुणनखंड किस रूप में हो सकता है, और इस प्रकार 2 की घात है, यानी गुणनखंड के अंदर केवल 2 की घात n के रूप में व्यापक रूप में इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरा, आपका दशमलव प्रसार इस प्रकार से हो 5×5× और व्यापक रूप में हम लिखते हैं 5 की घात m के रूप में, तो भी दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, शांत ही होगा। अब तीसरा नियम ये है कि अगर आपके इस प्रकार से है और 5×5×5 और बराबर n×5 की घात m इस रूप में है, व्यापक रूप में इस प्रकार से है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 के अलावा किसी और कोई और संख्या अगर गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में आती है, इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ये तीनों ही रूप आगे क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना, ये नियम है। अब हम देखते हैं इसके गुणनखंड करके देखते हैं, गुणनखंड करेंगे तो अपने पास क्या है, जैसे ये अपने पास गुणनखंड कर लिए 3125, तो इसमें हमें पर हमारे को क्या है, पहले भाजकता के नियम हमें ध्यान होना चाहिए। इकाई पर जैसे कि अपन क्या करते हैं, इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, किसका जाएगा, 2 का भाग जाएगा। अब इसमें इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, और इसका मैंने विस्तृत वीडियो रीट लेवल 1 के में डाल दिया है, हर एक अंक का 2, 3, 5, 4, 6 सबके, लेकिन 20 तक के सब डाल दिए हैं, आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए अपने पास क्या है, इसे गुणनखंड करते हैं, अब 3 का करते हैं, 3 का क्या है, 5×2=7, 1×8 3×11, इसका मतलब इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। अब हम सीधा इसे 5 का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं इसलिए हमें सभी देखना चाहिए, पहली संख्या 2, 3, 5, 2 और 5 के अलावा भी भाग जाता है उसको भी हमें देखना ही होगा। तो अपने यहाँ पे देखते हैं, 6 आ गया, 6×5=30, 1 बच गया, 6×2=12, फिर 2 बच गया, 6×5=25, फिर 5 का जाएगा 1,
फिर आपका पांच, फिर पांच का देंगे ये आपके पास दो और ये फिर पांच, फिर पांच पांच। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड में क्या 325 जो अपना पाठ आया है उसके गुणनखंड एक दो तीन चार पांच, पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच, एक दो तीन चार पांच है अपने पास, एक दो तीन चार और ये पांच, यानी पांच की घात पांच। इस व्यापक रूप में है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अपने पास 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार अपना शांत होगा। आपको समझ में आएगा, नहीं तो चलो अपन एक दूसरा सवाल करके देखते हैं। इसी का अपना दूसरा सवाल जो है कि 17/8 हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 8 दे रखे हैं उसके गुणनखंड करेंगे। अपने पास हर 8 है, इसका गुणनखंड धोखा दिया बार, चार बार गया फिर धोखा देंगे, दो बार फिर धोखा देंगे, दो बार गुणनखंड तब तक करने हैं जब तक अपना लास्ट में एक नहीं आ जाता है। उसके बाद देखिए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से हो गया, 8/2 × 2 × 2 × 2 3। व्यापक रूप में मैंने जो नियम बताया इसी सवाल में पहले, उसके हिसाब से केवल दो ही है, इसका मतलब तो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। इसी का दूसरा सवाल देखते हैं, अपने पास क्या है 64/455। हम क्या करते हैं 455 का गुणनखंड करेंगे, 455 का गुणनखंड जो इस प्रकार से होगा, देखिए अब इसमें दो का भाग देते हैं नहीं जाता है, फिर तीन का देते हैं तीन का भी नहीं जाता है, हम पांच का देते हैं, पांच का भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, अब हम इसमें क्या है 7 का भाग देंगे, ये 7 का, 7 × 7 के पास क्या है ये 13 आ गया, 13 में हम 13 का भाग देते एक बार, अपने पास इसका गुणनखंड क्या हो गया 455/5×7×13। देखिए इसमें 5 तो है लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी है, तो इसका जो 64/455 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा, ठीक है दोस्त। अपना जो अगला प्रश्न है इसका 15/16 हमें क्या करना है, जैसे आपने पहले देखा है ये हर है इसके गुणनखंड कर लेंगे, ये 1600 है इसके गुणनखंड करेंगे हम, दो का भाग देंगे, ठीक है अपने पास ये 800, फिर दो का भाग देंगे, दो का भाग देने का मतलब है सीधा उसका आधा करना है, बराबर बराबर होने चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, फिर इसमें देंगे 400, फिर इसमें देंगे 200, फिर इसके अंदर देंगे 100, फिर इसके अंदर देते हैं 50 और फिर हम दो का देते हैं ये 25, फिर इसमें 5 का देंगे 5, फिर 5 का 1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1600 का जो गुणनखंड है, हर जो उसका गुणनखंड करते हैं तो 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 की घात क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं और गुणा 5 की घात 2 लिखते हैं। इस प्रकार इसके जो गुणनखंड है अपने किस में आ रहे 2 और 5 में, तो इसका जो 15/1600 का जो दशमलव प्रसार होगा, प्रसार शांत होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें करना है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें अपना हल कितना है 343, इसके गुणनखंड करते हैं हम, अपने पास देखिए 2 का इसमें जाता नहीं, 3 का भी इसमें जाएगा नहीं, 4 3 7, 7 3 10, हम 5 का भी नहीं जाता है,
सात का देते हैं, सात चौक अट्ठाईस, ठीक है, छह बज गए, सात नंबर पैंसठ, फिर सात का देते हैं, फिर सात बार एक बार, इस प्रकार आपके पास देखिए 343 के गुणनखंड सात गुणा सात गुणा सात इस रूप में आ गया, यानी दो और पांच के अलावा है संख्या, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती अशांत होगा, ठीक है ना, ये अशांत आवर्ती पूछा है, दो चीज शांत है या अशांत है ये पूछा है, अपना अशांत आवर्ती ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब तक ये सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, इसमें देखो अपने गुणनखंड करने की आवश्यकता रखी नहीं सवाल में, इससे पहले से गुणनखंड कर रखे हैं, हर जो अपना क्या है हर देर का पहले ही गुणनखंड के रूप में देर का दो की घात तीन और दो पांच की घात दो, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब घोड़ा का निशान अपने को मानना है, ये जो भाग है अपने क्या है दो और पांच के रूप में है, गुणनखंड जो देर के हैं वो किसमें है दो और पांच के रूप में ही है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आप क्या करेंगे, लिखना क्या आपको शांत होगा, क्यों होगा, क्योंकि हर के गुणन खंड में दो व पांच ही है, ठीक है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब इसकी बात करते हैं इसके अंदर क्या होगा, देखिए अपना इसका दशमलव प्रसार देखते हैं, तो इसके अंदर इसके हर के गुणन खंड में अपना जो दो व पांच के अलावा सात है, अतः दशमलव प्रसार शांत या हम अशांत ले लेते हैं, ऐसा शांत नहीं होगा या अशांत होगा। कहते हैं प्रश्न, पहले प्रश्न का आठवां प्रश्न है, हम यहाँ पे क्या हर है, हर के गुणनखंड का बिना वर्ग क्रिया के हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है। पंद्रह का हम गुणनखंड करते हैं, पहले तीन का भाग जाएगा, ये पांच ये पांच, इस प्रकार पंद्रह का गुणनखंड करने पर अपने पास तीन गुणा पांच, इससे अपने को मालूम चलता है कि इसके गुणनखंड में अपना तीन पांच यानी दो और पांच के अलावा तीन है, तो इससे आपसे क्या होना चाहिए, ये अशांत दशमलव संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये चीज देखिए, आपका जो अंश है उसका भी अगर हम गुणनखंड करते हैं तो छह, जैसे कि छह का गुणनखंड किया, पहले दो का दिया तीन और तीन, इस प्रकार से इसको भी ये छह है बराबर दो गुणा तीन, ये बटे में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो अपने क्या तीन से तीन तो कट गया, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने पास क्या है दो बटा पांच, ये इसकी ये परिमेय संख्या बच गई जो कि वास्तविक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें दो और पांच का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसी को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, और इस परिमेय संख्या के हर में केवल पांच है, पांच है, अतः छह बटा पंद्रह का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए देखने में अपने को क्या लगा था अशांत, लेकिन अगर कट रहा है तो उसे काट ले, फिर देखें कि आपके हर में जो है दशमलव गुणनखंड है वो दो और पांच के अलावा तो नहीं है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा शांत हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, तो देखिए इसमें भी क्या है, ये परिमेय संख्या है का दोनों पूर्णांक है, लेकिन इसको भी हम पहले काट लेते हैं, जिससे करता है
ये आपका 5 से कटेगा 7 बार, ये 5 से कटेगा 10 बार, 7/10। ये सही रूप में इसकी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हमें इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 50 का भी कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं। आप 10 का करते हैं यहां पे, ठीक, मैं आपको 50 का भी बता देता हूं, ये 50 का गुणनखंड किया, ठीक है। फिर 2 का करेंगे, ये 25, फिर 5 का भाग देंगे, ये 5 और ये 5 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका 50 हल जो है उसके गुणनखंड में आपका इस प्रकार से 2 की घात 1 × 5 की घात 2, यानी इसका गुणनखंड, हल का गुणनखंड क्या है, 2 और 5 के अंदर ही है। इसका हल का गुणनखंड 2 व 5 के रूप में ही है, अतः 10.37 क्या होगा, शांत होगा। कि 77/210, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। पहले अपने पास क्या होना चाहिए कि परिमेय संख्या है P और Q, दोनों ही ऐसे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हम इसको पहले काट लेते हैं, 7 से काटते हैं 1 1, इसको 7 से काटते हैं 3 और 0। इस प्रकार से ये जो संख्या है आपकी P और Q दोनों क्या है, सह अभाज्य, इनके बीच का महत्तम समाप्रत्यय 1 हो गया। इस प्रकार की संख्या होती है उसका ही हम इस दशमलव प्रसाद निकाल सकते हैं। इसमें हो सकता है सही भी हो जाए और नहीं भी हो, जब दोनों चीजें होती है। अब हम इसका दशमलव निकाल, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो अब 2 का भाग देंगे इसे 30 में, अपने पास 15 आ गया। फिर अपने पास इसमें 3 का देंगे, अपने पास 5 आ गया, फिर 5 आ गया। इस प्रकार जो 30 है उसका हम गुणनखंड लिखते हैं इस प्रकार से। देखिए इसके जो गुणनखंड, जब हल के गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा 3 है, अतः 10.37 क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है दोस्तों। ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी पहला प्रश्न इसका, कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी हमने दशमलव, जैसे ये अपनी संख्या है अपनी 13/3 या 125, इसका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। पहले तो देखो ये अपने पास पिछले सवाल का वीडियो में आप देखेंगे, आप आएंगे 3125 के हम गुणनखंड करते हैं, तो पहले हम 5 का भाग देते हैं, तो इसमें आपका 5 का भाग दिया, तो 6×5=30, 2 5, फिर 5 का देंगे 1 2 5, फिर 5 का देंगे ये 25, फिर 5 का देंगे 5 5, इस प्रकार से ये गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं कि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। अब अपने को ये देखना है कि इसके प्रसार को, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो है हम किस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको 13/5 की घात 1 2 3 4 और 5, यानी 5 की घात 5 लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 की घात 5 लिखने के बाद अब एक चीज ध्यान रखिए, आपके पास मैं इधर आपको बदलता हूं, जिसे 2 और 5 को गुणा करते हैं कितना आते हैं, 10, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर आपके पास 5 है तो आप इसको 2 से गुणा करना, घात 5 है इसकी 2 की घात भी 5 रख दीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 की घात 5 याद रखना और 2 की घात 5 याद रखना,
समान संख्या से हम ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो उस संख्या में मान में कोई बदलाव नहीं आता है। अब अपने पास यह आता है 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 और ये 32। देखिए 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 ये यहाँ पे संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 13 × 2 की घात 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 32 है ये। ठीक है, अब अपने पास इधर क्या है, 5 की घात 5 2 की घात 5 इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जोड़े बना के 2 × 5 एक जुड़ा हो गया। ठीक है, फिर 2 × 5 ठीक है, फिर हमने लिख दिया 2 × 5 ये सब हो गया 2 × 5 ठीक है, और 2 × 5 एक जोड़ा, 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 और 5 जोड़ा। इस प्रकार से अपने पास जो संख्या आई है वो क्या आई, देखिए ऊपर अपने पास गया 32 है, 32 को हम 13 से गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे 13 × 26 पास लीजिए 2 13 39 और 2 41 ठीक है दोस्तों, 416 हो गए, या हम लिख देते हैं 416 अपने पास। अब देखिए इसको उसको गुणा करते हैं कितना आएंगे, 10 इसको उसको गुणा करेंगे तो 10 इसको इसको गुणा करेंगे तो 10 इसको गुणा करेंगे तो 10 और इसको गुणा करेंगे तो 10 आ जाएंगे। इस प्रकार अपने पास 416 × 1 1 2 3 4 5 गुणा है तो अपने 5 0 यहाँ लगा देंगे और इस प्रकार अगर नीचे केवल 10, 100, 1000, 10,000, 10,00,000 की संख्या है, बड़ी आसानी से हम दशमलव लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 इकाई की तरफ से 5 संख्या छोड़ दी है। यहाँ पे अपने पास 416 हो गया, लेकिन यहाँ से क्या है 1 2 3 ही है, हम क्या करते हैं 2 0 और लगा देते हैं, फिर दशमलव लगाएंगे और इस प्रकार से अपना ये आंसर बड़ी आसानी से निकल कर आ गया। ठीक है दोस्त, अपना जो ये प्रश्न है इसमें 17/8 दिया हुआ है, अब हम क्या करते हैं 8 की गुणनखंड करते हैं, इस प्रकार से 2 का भाग दिया 4 फिर 2 का दिया 2 फिर 2 का दिया 1 इस प्रकार से 8 को हमने क्या लिखा, 2 की घात 3 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं संख्या अपने पास क्या दे रखी है, 17/8 यानी कि हम इसको लिखते हैं 17 2 की घात 3 जैसे हमने पिछले सवाल में किया, यहाँ पे क्या 2 की घात 3 है, इसको हम 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास 17 × 5 × 5 ये देखिए 5 × 5 × 5 इसको हम गुणा करते थे 125 आता है, यहाँ पर हम 125 लिख देंगे और यहाँ पर हमने पहले किया पिछले सवाल में क्या है 2 × 5 की घात 3 है, अपने पास क्या हो जाएगा ये हम आगे लिख देते हैं, इसको 125 को हम 17 से गुणा कर लेते हैं, इससे 17 से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35 3 × 7 = 14 3 × 17 हासिल का 1 7 × 1 = 8 फिर 0 5 2 1 5 7 × 5 = 12 8 × 2 = 10 11 2 2125 ये अपने पास 2125 ऊपर आ गया और नीचे अपने पास क्या 10 5 × 10 = 3 यानी कि 2125/1000। ठीक है, इकाई की तरफ से 3 संख्या छोड़नी है और दशमलव लगाना है, 1 2 3 है, 3 संख्या छोड़ दी 2.125 ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न आपका कि ये आपका प्रश्न है अगला 15/1600। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है कि शांत है तो वो हमें निकालना है, तो बड़ी सी आसानी से हम निकाल सकते हैं, जैसे 1600 है जिसके हम गुणनखंड करते हैं 2 का भाग दिया 800 फिर 2 का दिया 400 फिर 2 का दिया 200 फिर 2 का दिया 100 और फिर 2 का देंगे 50
फिर दो कर देंगे 25, फिर 5 का 5, और इस प्रकार से अपने पास ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके जो गुणनखंड है वो यहाँ पे क्या है, केवल 2 और 5 के रूप में ही है। हम यहाँ लिखते हैं 1600 15 बटा 1600, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं 15 बटा 2 की घात क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 2 की घात 6 लिख दिया, गुणा 5 की घात कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ हम 5 की घात 2 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने, जोड़े। कैसे बनाएंगे जोड़े, इससे देखिए अपना जोड़ा का मतलब 2 गुणा 5 का जोड़ा बनाना है, यानी 6 यहाँ है, यहाँ पे भी 6 होनी चाहिए घात। हम क्या करते हैं 5 की घात 4 से ऊपर और 5 की घात 4 से नीचे गुणा कर ले, ठीक है, क्योंकि आधार समान होता है तो कहते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 गुणा 5 की घात 4 होंगे, लेकिन 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इस प्रकार से लिख देंगे। और ये आपके पास क्या 6 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 और 2 6 हो गया। और इसी को हम आगे क्या लिखते हैं, अब जैसे क्या है ये तो अपने पास गुणा हो जाएगा 5 25 25 125 और 625, 625 को हम क्या करते हैं 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 × 75 के 7, 15 × 30 7 37 3 15 के 3 हो गए, 15 × 90 और 3 93, ठीक है। तो अपने पास 9375 हो गए। और यहां पर हम क्या करते हैं 2 गुणा 5 की घात क्या हो जाएगी अपने पास 6 हो जाएगी। और इस प्रकार 9375 / 10 की घात क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, यानी कि ऊपर जो संख्या हम 10 लगाएंगे उसमें क्या होगा अपने पास 6 संख्या इधर से छोड़नी है, आपके पास 9375 और 1 2 3 और 4 लेकिन चाहिए कितनी अपने को 6 चाहिए, तो हम 2 जीरो और लगा देते हैं, फिर 10 लगाते हैं, तो ये आपका शांत 10 प्रसार हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप अगले प्रश्न है उनके जो शांत है उनके 10 प्रसार इस प्रकार से 2 और 5 के जोड़े बना के बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।